सब सारे नेफ्रॉन का काम यही है कि ब्लड में से हानिकारक तत्व उपयोगी तत्वों को अलग करना। ठीक है, तो यहाँ ये वृक्काणु की रचना हो गई। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आगे का जो भाग है वो एकदम गोल गोल कप जैसा है, उसे कहते हैं बाउमेन की थैली कहते हैं, पीछे के भाग को ग्रीवा कहते हैं, और ये पूरा भाग नलिकाओं से घिरा रहता है। जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो एक बार छानते हैं तो उसमें से चाय नीचे गिर जाती है, ठीक है, फिर उसकी जो चाय पत्ती होती है उसमें भी थोड़ी बहुत चाय रह जाती है, अगर उसको हाथ से दबाएं ना तो थोड़ी बहुत चाय और निकलेगी। तो उसी प्रकार से जब एक बार निस्यंदन हो जाता है, फिर भी कुछ उपयोगी तत्व जैसे कि है ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, लवण है, इत्यादि तत्व उसमें रह जाते हैं, जो भी मूत्रा से जो भी एक बार उसको फिल्टर होता है तो उसमें भी कुछ उपयोगी तत्व रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में, जैसे कि आप देख सकते हैं ना ऊपर गोल गोल जो भाग है वहाँ से होकर इस नलिका से होकर प्रवाहित होता है तो इन तत्वों का फिर से उसमें शोषण कर लिया जाता है। जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र, अब जैसे कि ये पूरे एक वृक्काणु की रचना है, ऐसे बहुत मैंने आप लोगों को बताया ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं तो सभी के अंदर क्या होता है, जो भी उपयोगी तत्व होते हैं उनका इसमें क्या होता है, पुनः फिर से शोषण हो जाता है। तो प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। तो ये हुआ हमारे उत्सर्जन तंत्र की रचना, यानी उत्सर्जन। अब यानी बच्चों यहाँ पर तुम लोगों को एक बात समझ में आई होगी, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग का समावेश होता है। हमारे शरीर में जो भी रुधिर बहता है तो उसमें से जो हानिकारक तत्व होते हैं उन्हें हमारे शरीर से निकालना होता है, तो उन्हें निकालने के लिए किडनी काम करती है। फिर किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, अब ये नेफ्रॉन्स में बहुत सारी नलिकाएँ होती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसीजर है बहुत ईजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक, ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।